चलोगे आज? हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? प्रीति डायरीज में मैं प्रीति जी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हैप्पी दशहरा। आज दसवीं है, दसवीं का दिन है। ये जो पर्व होता है वो सच्चाई की जीत की है। रावण और राम जी भगवान के बीच युद्ध के बाद राम जी की जीत हुई थी, तो उसी दिन से ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अभी मॉर्निंग के 9:30 बज गए हैं, मैंने नहा लिया है, ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ मैं। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं यहाँ नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं वही थोड़ा सा जो मॉइस्चराइजर काजल बस वही थोड़ा सा कर रही हूँ। यहाँ तो डेली साड़ी ही पहनना रहता है, हमेशा घूंघट में, घर में घूंघट नहीं डालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद सर पर थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा ससुराल है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अभी अपने ससुराल में, जैसा कि पता है। वो दिखाओ क्या खरीदे हो, दिखाओ क्या है। बोलिए प्रिया, देखिए टप्पू आज बाल कटवा कर आया है। टप्पू बाल दिखाओ, बाल दिखाओ टप्पू अपना, ये पूरा आगे। टप्पू पटना चलोगे आज? क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं भैया दीदी ने बोला। टप्पू चलो अब बैठो, दूध पियोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टप्पू यहाँ आने के बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहते, बस खेलते रहता है अपने बाबा के साथ, दादी माँ के साथ, चाचू, घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ बहुत इंजॉय करता है यहाँ आने के बाद। वहाँ तो रूम में वो अकेला ही रहता है, बाहर निकलने के बाद ही कोई बच्चे मिलते हैं, पर हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो वो अपना सबके साथ यहाँ खेलता है, वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। घर के बाहर सड़क के किनारे सब लोग मछली ले रहे थे, मछली बिकने के लिए आई हुई थी, तो मम्मी जी ने मुझसे कहा कि मैं भी जाकर देखूं, अगर मन है तो मैं भी ले लूं। तो मैंने मम्मी जी को जाकर कहा कि ले लेने के लिए, तो मम्मी जी यहाँ मछली ले रही हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मम्मी जी ही मछली बनाएंगी आज मेरे ससुराल में, कैसे मछली बनता है ज़रूर देखिएगा। मम्मी जी थोड़ा अलग बनाती हैं सब कुछ, बर्तन गैस चूल्हा यहाँ सब कुछ अलग रहता है मछली बनाने वाला। तो मैंने सब कुछ यहाँ निकाल दिया है, मसाला भी पीस दिया, सारी तैयारी मैंने कर दी है, बस मम्मी जी अब बना रही हैं। मैं जब यहाँ आती हूँ तो कोई भी नॉनवेज होता है, मीट मछली चिकन कुछ भी, तो मम्मी जी ही बनाती हैं। यहाँ आने के बाद मैं मम्मी जी के हाथ का ही ये नॉनवेज खाती हूँ, और जब मम्मी जी पटना जाती हैं तो मैं उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाती हूँ। किचन में मैं अपने देवर लाला के लिए खाना बना रही हूँ, वो नॉनवेज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से खाना मैं बना रही हूँ। और किचन में मैं, मम्मी जी सिर्फ यहाँ मछली बनाएंगी, मैं रोटी चावल जो भी खाना है वो मैं बना लूँगी, सिर्फ बाहर मछली। मेरी अभी शुरुआत है, मैं ज़्यादा सबके सामने वीडियो नहीं ले पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा वीडियो लेती हूँ तो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मछली बनने ही वाली है, इसके बाद आप दादी पोते की जो मस्ती है वो देखिएगा, क्योंकि टप्पू जब भी सोने जाता है तो कुछ देर वो अपनी दादी माँ के साथ खेलता है। तो अभी आप लोग ज़रूर देखना मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा।
मेरे घर में दूसरी शादी भी होने वाली है, तो मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगी। तो आप लोग डेली मेरा वीडियो ब्लॉग पूरा देखिए, तो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि किसकी शादी होने वाली है। खराब हो गया, गोली पाने वाली है। नीचे गया, नीचे गया। सूत रही है लो। मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि बिहार में शादी किस तरह से होती है। मुंडन तो मैंने दिखा दी है, जनेऊ की भी कुछ झलकियां मैंने दिखा दी हैं। जो लोग न्यू हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे नए हैं, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिए। यहाँ हम लोगों ने खाना खा लिया है, अब मैं यहाँ सुला रही हूँ टप्पू को। आज के लिए बस इतना ही।